मॉर्निंग दोस्तों, वैष्णव गुंडा ब्लॉक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमने बनाया है बैंगन भाजा टमाटो केचप के साथ में, और उसके साथ में थोड़ा ग्रीन सैलेड भी बनाया, उसका भी मजा लीजिए। दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बताइए, हमारे चैनल वैष्णव गुंडा ब्लॉक के नाम से है। और दोस्तों, गर्मी को आप देख ही रहे हो, इसमें आप चिड़ियों को दाना और पानी का जरूर ख्याल रखिए। दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राधे। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बनाएंगे बैंगन भाजा। तो देखिए, हम बैंगन भाजा के लिए कैसे काटते हैं बैंगन को और कैसे बनाते हैं बैंगन भाजा। तो आइए दोस्तों, चलो बैंगन काटते हैं। और इसको डालेंगे हम साथ के साथ पानी में। पानी में हमने नमक मिला रखा पहले से ही थोड़ा। और ये देखिए, हम सीधे इसके अंदर काटते के साथ ही डाल रहे हैं इसको पानी के अंदर। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा नमक है, ये हल्दी है, ये मिर्ची है, और इसमें हमने 4 चम्मच डाला बेसन। अब इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करके फिर हम इसको बैंगन चक्के जो काटे हैं उस पर हम इसको चढ़ाएंगे, और फिर आपको चढ़ाने के बाद में तवे पे सेकते हुए दिखाएंगे आगे। तो देखो दोस्तों, बैंगन भाजा बनके हमारा तैयार है, और हमने इसको बनने के बाद में तवे पे ही छोड़ दिया था, गैस कर दिया था बंद, ताकि ये अगर थोड़े बहुत कच्चे हों तो उसी में पक जाए। तो हमें गैस बंद है और ये बैंगन भाजा इसी पे रखा हुआ है, इसीलिए ताकि थोड़े बहुत ये अच्छे से गल भी जाए और इसमें एक बहुत ही नरमपन आ जाए। देखो दोस्तों, अब हमने इसमें कैप्सिकम काट लिए हैं छोटे छोटे। अब इसमें हम मिलाएंगे कॉर्न। तो देखो दोस्तों, अब इसमें अंदर मिलाएंगे अपने अंकुरित दालें। ये देखिए, तो देखिए दोस्तों, कॉर्न हमारे उबल के तैयार हो गए हैं, हमने इसको पानी से निकाल दिया। अब इसको हम करेंगे सैलेड में मिक्स। तो देखिए दोस्तों, हमने सैलेड को मिक्स कर लिया है, और दोस्तों अब इसमें हम डालेंगे टमाटर काट के। टमाटर भी काट के इसमें मिक्स करेंगे। तो देखते दोस्तों, बैंगन भाजा हमारा बन के तैयार है, प्लेट में हमने डाल दिया है, और बैंगन भाजा हम खाएंगे टमाटो केचप के साथ, और उसके बाद हमारे साथ में रखा सैलेड, सैलेड का भी हम आनंद लेंगे। तो चलिए दोस्तों, खाने की करते हैं शुरुआत। तो देखिए दोस्तों, आज हमने बैंगन भाजा बनाया है, बहुत ही टेस्टी बनाया है ये, आपको वीडियो में दिखेगा। और देखिए दोस्तों, अब हम इसको खाएंगे केचप के साथ में, बहुत ही टेस्टी है। और दोस्तों, इसके साथ हम मज़ा लेंगे सैलेड का भी। सैलेड हमारा बहुत अच्छा बना है, लेकिन सैलेड आप भी खाइए, मज़े लीजिए।